पैर डाल इसका पैर, अबे वो पैर नहीं गोलू पीछे वाला पैर डाल लो। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। कॉलर तो चला ले। हेलो माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:10 और आज के ब्लॉग काफ़ी लेट से स्टार्ट हो रहा है। सो मैंने कल के ब्लॉग में बताया था कि मैं जॉनी को टी शर्ट वगैरह पहनाऊँ क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो मैंने मम्मी से पुराना टी शर्ट निकलवाए हैं बेड से। सो ये कुछ टी शर्ट है, इनमें से कोई सा ही पहना दूँगी। तो अभी सबित को ही बुला लेता हूँ मैं और पहनाते हैं इसको जॉनी को। पहले मैं सवित के घर जाके सवित को बुला के लाता हूँ। गाइस सवित आ चुका है, एक मिशन में चल रहा है। गाइस मैं सो के उठा हूँ, कुछ ऐसा वैसा नहीं है। एक मिशन बता, अभी जॉनी को टी शर्ट पहनानी है। मेरे तो तुम्हें काम में पूरा सपोर्ट करेगा। अब रुक जा भाई, हाँ पहन कर दूंगी। मैं सवित अभी सो ही रहा था तो उसको उठा दिया, वो आ रहा है फिर पहनाते। सो गाइस जॉनी हमें मिला नहीं है हमारी गली में, हमने बगल वाली गली में भी देख लिया है। अब उसका वेट करते हैं कब तक आता है। सो गाइस मॉर्निंग से तो जॉनी दिख रहा था गली में और जब कपड़े पहनाने का टाइम आया तो गायब है और अभी तक नहीं आया। 6:30 हो गए हैं, सो पता नहीं कहाँ गया है। सुबह तो नहीं देखा तेरे दोस्त को। दोस्त को दुश्मन है मेरा वो, आज गया नहीं उसके साथ घूमने जॉनी। सो देखते गाइस अगर रात में ही वापस आ जाता है 8-9 बजे तक तब भी उसको पहन लेते हैं। अभी लगता है टूर आराम से। और धर्मवीर क्या हाल है भाई के? शर्मा क्यों रहे हो? क्या बात है, ये छुपा रहे हो? क्या चल रहा है दिमाग में? इंडिया में चल रहा है। इंडिया में क्या चल रहा है? हाँ कुछ तो चल रहा है। कहाँ दुकान? क्या लेने? और जोर से दम लगा। सुमित खड़ा है, ये नहीं कि दम लगा दूं। आ गया आ गया आ गया आ गया। तो गाइस अभी आया, कहाँ था बोले हो सभी को? सो अभी से पहनाते हैं टी शर्ट। लाइट और दो रिफंड कर रहे हैं क्या? और दो जल्दी जलाना चल तू। लेके ही हो टी शर्ट वहाँ से? सुमित बाइक से टी शर्ट ले लिए। कुछ इसी तरह हमारा रिश्ता भी चल गया। वाओ जॉनी के नए नए कपड़े, क्या बात है जॉनी, आज तो पूरी फॉर्म में। कहाँ जा रहा है? हाथ ओए पकड़ लो, पैर डाल इसका पैर, अबे वो पैर नहीं गोलू पीछे वाला पैर डाल रहा है नहीं हटके।
मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। वाओ क्या आता है जॉनी द पूरी फॉर्म में। हीरो बन गया। तो दिखा दे यार। कॉलर तो चला ले। किसकी शादी में जा रहा है? पट्टे बटन तो लगा ले। काट मत दे खुशी। नहीं अब सही है ना, इसे ठंडी लगी। वो बेचारा गरीब। कैसे बांधो? अबे वो गरीब भी देख रहा है बेचारा। तुझे ही पहनना है, इसे ही पहना देता है। देख कैसा लग रहा है जॉनी। बोला शिट यार, बेइज्जती करवा दी। उसने कभी पहना नहीं है ना। बोले और ये बहुत इसे भी पकड़ लो। सोचो उसी को काट लिया। आज अंबर ये बात हो गई ना भाई, अकेले अकेले। इधर आजा भाई। अंबर अपनी अलग आग जला के बैठा भाई। इधर आजा। तो भाई जॉनी को तो कपड़े पहना दिए, लेकिन वो इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है। अभी इधर से उधर भागने में लगा हुआ है। उसने पहली बार टी शर्ट पहना है ना, इसलिए अनकंफर्टेबल लग रहा है। पहली बार मैं तो डेरी करते हो, तब भी देखो भाई टी शर्ट खुल जाती है। ये पता नहीं तुम कितने सारे ऑडियंस देखते रहते हैं। तो पता नहीं हमारी कितने लाख की ऑडियंस है अभी। तीन सौ लाख। अंबर की आज के पास कोई नहीं बैठा हुआ। ये देखो कैसे चिंता। देखो आज जैकेट नहीं पहनी, मुझे हाथ डालने दीजिए ना जेब में। तो उसकी जेब में जैकेट पहनता है, जेब में ही हाथ डालता है। हां तो क्या है भैया, भी मेरे भैया के वास्ते क्या कुछ नहीं किया। भूत के लिए। हां भूत के लिए जलाया तो ये क्या। और नहीं नहीं मेरा हाथ देखो। आंटी कितने सारे गुब्बारे लेके आई। जिस हिसाब से ठंड पड़ रही है उस हिसाब से मैं एक भैया का एक इंटरव्यू लेने आया हूँ। सो भैया ठंड जो पड़ रही है, आपको क्या लगता है शिमला मनाली जाने की जरूरत है अब? जरूरत तो है। अब जब दिल्ली में इतनी ठंड है तो शिमला मनाली जाके क्या करेंगे? क्या देखेंगे कैसा ठंड है उसमें? शिमला मनाली जब सेम टेम्परेचर यहाँ का भी हो रहा है तो क्या करोगे शिमला मनाली जाके? ठंड कैसी है पिछले साल के हिसाब से? आप दिल्ली में कितने साल से रह रहे हो? मैं तो रह रहा हूँ 6-7 साल हो गए आपको दिल्ली में रहते रहते। तो ये बताओ कि ठंड इस बार ज़्यादा है या पिछले कुछ सालों में से कम है? इस बार कुछ कम है। इस बार पिछले सालों से कुछ कम है। कुछ कम मतलब इस साल कम पड़ गया ठंड? इस साल कम पड़ रही है ठंड? कुछ कम पड़ रही है। ठंडा तो सही है, उतना है ही है, थोड़ा सा कम पड़ा है ठंड। कुछ पिछले साल में तो बहुत ठंडी पड़ी हुई थी, काफ़ी ठंड पड़ी थी। वहाँ का बर्फ जम गए थे, अभी भी बर्फ जमे हैं कहीं 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 तो बर्फ जम गए। तो अंबर तुम सहमत हो उनकी बातों से? सहमत। और जॉब वॉब चल रही है, क्या चल रहा है? जॉब वॉब चल रही है। कहाँ पे? आग खत्म हो गई है, कोयला बन गया है तो उसे अंदर ले आए। उसमें गोली मटर पका रहा है। ये मटर पकने के बाद मस्त लगती है आग में। खाने में मस्त लगते हैं मटर। अब मैं सोच नहीं गया कोई बताए।
कैसा है सुमित? अच्छा अच्छा है। सोचता हल्के से हवा, वो चाय बेकार कर रही है, अभी उसमें गिरने वाला था। सो गाइस ये है चाय बनाने की निंजा टेक्निक। सुमित तो फूक रहा है, खींच रहा है। मैंने अपने लिए पापा से फेस वॉश मंगाया था, देखो ये वाला लेके आए हैं फाइट, चारकोल वाला नहीं जाए, कोई नहीं बनी नहीं चाय अभी तक। सो गाइस खाना पीना तो डन हो चुका है, अब चलते हैं ऊपर अपने रूम में। सो गाइस अब लगते हैं एडिटिंग पे और इस वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड, और मिलता हूँ कल आपसे एक और बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, की सपोर्टिंग मी। और यार इस एडिटिंग के लिए मुझे इससे बाहर जाके एडिटिंग करनी पड़ती है, तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीन दिखती नहीं है, सो इसलिए बाहर एडिटिंग कर लेते हैं। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए, 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 हम ना आए।